मालदा जी, आज एक अहम बैठक टिफिन पर चर्चा 2024 से पहले टिफिन पर चर्चा, किस तरीके से इस पूरे बैठक को देखते हैं? क्योंकि कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की जो मोरल है उसको बूस्ट अप करने का एक अहम संवाद स्थापित करने का एक अहम तरीका। बिल्कुल, देखिए कोई एक विधानसभा की बैठक है सिर्फ, और उसमें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, इतने बड़े कद का कोई केंद्रीय नेता आता है, तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत ही सकारात्मक असर कार्यकर्ताओं पर भी जाता है। और ये सहभोज के कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रमों के बीच में एक सहभोज का कार्यक्रम, साथ बैठकर खाना, यह दर्शाता है कि कोई यहाँ पर दायित्व अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सभी अपने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना, ज़रूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना, चमक लाना, इस सोच के साथ भारत माता के मस्तक को ऊंचा उठाना, विश्व प्लेटफॉर्म पर हमारे देश की जो परसेप्शन है, छवि है, उसको और साफ सुथरा अच्छा बनाना, एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करना, इस लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ता सिर्फ आगे बढ़े हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक बड़े परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। 2024 को लेकर विपक्ष की एकजुट होने की कवायद जो है वो काफी तेज है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव मिलने वाले हैं, ये जो मुलाकात है, और इसके अलावा अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो एकजुट होने की कवायद तेज है। आपको लगता है ये सब वर्कआउट कर पाएगा 2024? देखिए, क्योंकि हर चुनाव से पहले ये लोग इकट्ठे होते हैं या इकट्ठे होने की कोशिश शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि चुनाव आए वो सब बिखर जाते हैं। तो उनके मन में कहीं पर भी विपक्ष में जितने भी दल हैं, इन सब के मन में देश वह पहले नहीं है, वो सिर्फ उनको क्या पोजीशन मिलेगी, कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनने का सपना ज़्यादा देखेगा, सिर्फ इसी बात तक वह सिमटे हुए हैं। और यही कारण है कि देश के लोगों के मन में अब इन दलों के प्रति कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। लोगों को भी अब यह समझ में आया है, लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा भी किया है। मोदी जी कहीं विश्व में किसी भी कोने में जाते हैं तो भारत की छवि को और बढ़िया और मजबूत करके आते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिला है, तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है।